दोस्तों देखिए अभी यहाँ पर पुलिस खड़ी, अभी अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर यहीं पर मालती ने फांसी लगाकर जो अपनी जान दे दी। और इधर में देख सकते हैं दोस्तों अभी तक का साड़ी जो है अभी यहाँ पर झूल रही है, बट अभी मालती की लाश को यहाँ से साइड कर दिया गया है जिसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आगे दिखाई दे रहा है जो कि अभी दिखाते हैं आप सभी को। अभी यहाँ से पहले बाहर निकला जाए, सब कुछ देखे दोस्तों इधर में कितनी पब्लिक फिलहाल यहाँ पर जुट चुकी है, जो आप लोग समझ सकते हैं कितनी पब्लिक अभी यहाँ पर आ चुकी है। अभी आगे देखिए दोस्तों अभी कैसे मौत हुई है, फिलहाल ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अभी पब्लिक की बहुत ज़्यादा भीड़ है, फिलहाल हम लोग भी पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द ही, हम सब लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद लाइव कैमरा में दिखाएंगे। बट अभी देख सकते हैं इधर में मालती को सुलाया गया है जो यहाँ पर, और यहाँ पर सभी रिपोर्टर भाई भी आ चुके हैं, और इधर में देखिए गांव के जितने भी लोग हैं सभी इकट्ठा होकर अब समझ रहे हैं कैसे आखिरकार उनकी मौत हुई। अभी जानते हैं आप लोग, कुछ दिन पहले ये समझौता हुआ था, सुलझावा हुआ था। अभी देखिए इनके घर के अंदर में दोबारा चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी यहाँ पर देखिए सब जगह पब्लिक पब्लिक थी, सभी ऐसा माहौल ही बन चुका है कि बताया नहीं जा सकता है कि एक बैग मालती ऐसे कैसे कर सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आगे देखते रहिए आप सब। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी पब्लिक आ चुकी है, और जो मालती को वहाँ पर सुलाया गया है, पब्लिक की वजह से अंदर नहीं जा मिल रहा है, बट आप बाहर से ही देख लीजिए। बट एक घटना जो अभी देखें आप सत्य है और 100% सही है कि मालती चौहान की मौत हो गई है, यह जानकर फिलहाल हम लोगों को बहुत दुख हुआ है। अब किया भी कहा जा सकता है, तो ठीक है वीडियो को ऐसे देखते रहिए। और पब्लिक की बहुत ज़्यादा भमार है, और रिपोर्टर भाई लोग सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, अब देखते हैं कैसे क्या होता है, मालती चौहान की मौत किस तरह हुई है। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा, उनको जहर देके मारा गया कि खुद ने फांसी लगाया उसकी वजह से मौत हुई, क्या कुछ नहीं है। आप सब वीडियो में बने रहिए, अंत तक का जरूर देखिएगा, ठीक है। कोई 20 दिन से खबर चल रही है, ये सब राजनीति खबर हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग सिर्फ साथ रहना चाहिए था ना। नहीं तो तबीयत उनका खराब तो बोले जाइए आप स्टूडियो पे, यहाँ मैं बाबू मौसी सब लोग थे, मौसी अलग रूम में सोई थी, बोली कि आप जाइए वहाँ आराम से और हम सोएंगे, हमारा तबीयत सही। अभी कल गोरखपुरिया भाजी कही है कि विष्णु एक बड़ा गेम खेल रहा जो आकांक्षा के साथ हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर पुलिस वाले भी आए हैं। यहाँ पता चला है कि पंखे से मतलब तो साड़ी से पंखे में लगाकर सुसाइड की। आखिर क्या कारण रहा होगा किस तरह उन्होंने कदम उठा दिया, मुझे इसके बारे में तो जानकारी। मालती कब आई है यहाँ घर पे, कब आई थी मालती, इसके बारे में हमको नहीं पता है, पर हम जानते हैं कल या कल शायद आई कल इसके बारे में। हाँ वीडियो देखे अभी कल का उनका, तो शायद वो अपने घर पर थे जो वीडियो बनाया था। वीडियो माध्यम से अभी जब मालती आई थी, क्या एक बार आपकी मुलाकात उससे हुई? नहीं बिल्कुल हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, हम अपने घर पर थे। अपने घर से थे, गाँव के लोग हैं ये बताइए कैसे आपको जानकारी मिली यहाँ और क्या जानकारी मिली, क्यों लगाई? नहीं आप बोल रहे हो चीज़ हमको बुरा लगता है, और कोई बात नहीं चला, अच्छा ठीक है भाई, यार हमको बोल रहे हो तो समझ में डाल दो, बोल दे हमारा दिमाग खराब हो गया हम शर्मा हर मामला मीडिया नहीं बनाया कर रहा है, ठीक है। नमस्कार, आज मैं बात हूँ मालती चौहान के घर पर, और आपको बता दें कि मालती चौहान बिल्कुल बाहर है और टेले विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, बहुत बड़ा